रिसालत, नारे हैदरी। अरे साथियों, मैं बहुत दुख के साथ, अफसोस के साथ आज एक बार फिर हजारा टाउन में आपके दरमियान में हूँ। जब भी हम बलूचिस्तान आते हैं, जब भी हम क्वेटा आते हैं, हम अपना खुशी के लिए नहीं आते हैं, हम अपना सियासत के लिए नहीं आते हैं, आपके दुख में शरीक हों। किसी दहशत गर्दी का वाकया की वजह से यहाँ पहुँचते हैं। मैं अपना हजारा भाई बहनों को मीडिया और ऐसा क्या कह सकता हूँ, बस नजर आ रहा है, ठीक, क्या बता सकता हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा धरती है जहाँ हमारे शहीदों को भी एहतजाज करना पड़ता है, जहाँ लाश को भी एहतजाज करना पड़ता है। हम ऐसे पाकिस्तान में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ महंगा हो चुका है, गैस महंगी, बिजली महंगी, खाना पीने की अशिया महंगा, लेकिन हमारा आवाम का खून सस्ता है, हमारा मजदूरों का खून सस्ता है, हमारा सियासी कारकुन, हमारा पुलिस ऑफिसरान के, आपके लॉयर बरादरी के, आपके शहरियों, बस जी हमारा, उनको बता दें हजारा बार, शी हैज टू बी रेडी, ये महसूस हो रहा है कि हमारा खून सस्ता है, चाहे वो आपका 1999 से लेकर आज तक 2000 शहीद हो चुके हैं, मगर उनमें से एक को भी इंसाफ नहीं मिला है, एक शहीद को इंसाफ नहीं मिला है। हमारे बुजुर्गों के हुकूमत में भी, हमारे बड़ों के हुकूमत में भी, इसी हजारा टाउन में 100 शहीदों के लाशों के साथ एहतजाज हुआ था। आपने उस वक्त भी हमारे सामने अपने मुतालबात डाले थे, हमने तो हुकूमत भी बरतरफ कर दिया, बाकी हुकूमत भी चले गए, किसी और का हुकूमत आया, आप फिर से राणा साहब अपने शहीदों के साथ यहाँ एहतजाज करते रहे, उनको बोले इनके बाद, और अब खान साहब की हुकूमत है, दूसरा हुकूमत है, मैं बुलाऊं फिर से आज, एग्जैक्टली एक देखो राणा, आप अपने शहीदों के साथ एहतजाज कर रहे हैं, और आपका मुतालबा एक ही है, आपका मुतालबा एक ही है कि आपको जीने दो, माशाल्लाह बेहतरीन, हमारा हजारा भाइयों को जीने दो। आप का ये जो मुतालबा है, ये पाकिस्तान की गली कूचों में, कराची के सड़कों पे, इस्लामाबाद के सड़कों पे, खैबर पख्तूनख्वा के सड़कों पे, आपके साथियों, आपके हरदम हमदर्द, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी आपके साथ इस एहतजाज में हैं। मैं सिर्फ आपके साथ इतना वादा करना चाहता हूँ कि मैं भी एक शहीदों का ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, बेशक हम भी आपकी तरह आज तक अपना शहीदों के लिए इंसाफ नहीं दिलवा सके। और मेरा
आपसे ये वादा है कि जैसे हम दिन रात मेहनत करते हैं, जदोजहद करते हैं इंसाफ के लिए, अपने शहीदों को इंसाफ दिलवाने के लिए, आप भी हमारे शहीद हैं, आप भी हमारे भाई हैं। मैं जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक हम इस मुल्क में अपना सियासत, अपना आवाम का खिदमत करने की कोशिश करते रहेंगे, हमारा यही कोशिश होगा कि हमारे आवाम के, हमारे मुल्क के गरीब आवाम को जीने दो। ये किस किस्म का इंसाफ है और ये किस किस्म का मुल्क है कि आप जब मजदूरी कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप सफ़र कर रहे हो, तो आईडी कार्ड्स को देख देख के कत्लेआम होता है। ये कहाँ की इंसाफ है, ये कहाँ की इंसाफ है कि हमारे शहीदों को भी, हमारे शहीदों को खानदान अपने लाशों के साथ बैठकर एहतजाज करना पड़ता है, मुसलसल करना पड़ता है, मगर हम आज तक उनका एक शहीद का इंसाफ नहीं दिलवा सकते। हम इस रियासत से अपील करते हैं कि सबसे ज्यादा जो इस मुल्क में मोहिबे वतन लोग हैं वो आपके सामने बैठे हैं, माशाल्लाह, जो सबसे ज्यादा अपने मुल्क में से मोहिबे वतन करने वाले लोग हैं वो आपके सामने हैं। अगर आप इनको नहीं इंसाफ दिलवा सकते, अगर हम इन मजलूमों को इंसाफ नहीं दिलवा सकते, तो हम किसको इंसाफ दिलवाएंगे? हम कैसे कैसे पूरी दुनिया को जवाब दे सकते हैं कि हमारे मजलूम को हम तहफ्फुज़ नहीं दिलवा सकते, अपने आवाम को जीने का हक नहीं दिलवा सकते? जब तक हम ये तहफ्फुज़ नहीं दिलवाते, जिंदगी का तहफ्फुज़ जब तक रियासत नहीं दिलवा सकते, तब तक वो अपने आप को रियासत नहीं खिला सकता है। ये रियासत का फर्ज है, सबसे पहले फर्ज है कि आपने अपने शहरियों का जिंदगी को तहफ्फुज़ फरहाम करना है। फिर बाद में हम रोजगार की बात कर सकते हैं, हम मुआशी तरक्की की बात कर सकते हैं। यहाँ भी हमारे हजारा बरादरान के साथ नाइंसाफी होता है, रोजगार में भी नाइंसाफी होता है। हकूमती जो होते हैं, हकूमत की तरफ से जो रोजगार मिलता है, उसमें भी नाइंसाफी होते हैं। अब तो तालीमी इदारे में भी नाइंसाफी होता है, मगर हम उन इश्यूज पे आ भी नहीं रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, जीने का हक का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे सामने फरजंदे करबला बैठे हैं, वो जानते हैं कि कैसे अपने हक के लिए जदोजहद किया जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर शहीद होना पड़ता है तो शहादत देने कैसे हैं। जानते हैं कि ये कभी कभी किसी जालिम के सामने अपने सर नहीं झुकाएंगे, मगर इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने शोदा के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, इस दुख में आपके साथ शरीक है। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पूरा रियासत से मुतालबा करते हैं कि आपने कहा था कि हम नेशनल एक्शन प्लान का अमल दरामद करेंगे और दहशतगर्दी का कमर तोड़वाएंगे। आपने वादा किया था कि हम पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। हमने वादा किया था अपना APS के बच्चों से कि हम दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। और अगर आज तक ना सिर्फ दहशतगर्द हमला कर सकते हैं, मगर इंतहा पसंदी की बात भी कर सकते हैं, काफिर काफिर का नारा उठा सकते हैं, हेट स्प्रेड कर सकते हैं, तो फिर हमारा नेशनल एक्शन प्लान भी नाकाम है। हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द है उनका कमर अभी तक नहीं टूटा है, और हम ये नहीं सुनना चाहते हैं
हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि बाहर से जी बिल्कुल साजिशी ममालिक है, उनका पैकिंग हो सकता है, लेकिन हमारा रियासत का नाकामी है कि अगर बहरून मुल्क का साजिश कामयाब हो के हमारे मासूम शहरियों को कत्ल करवा रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान को आपने इधर से शुरू करना पड़ेगा, आपको इधर से शुरू करना पड़ेगा, इन शोदा के खानदानों से शुरू करना पड़ेगा। जब तक इनको हम इंसाफ नहीं दिलवा सकते, जब तक आप एक खानदान को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इंसाफ दिलवाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाए, मैं कह रहा हूँ कि मेरा शहीद मजदूर जो अपना मजदूरी करते हुए उसका गला कटाया जाता है, उसको ज़रूर इंसाफ दिलवा दो। जब तक आप एक आम आदमी का कातिल नहीं पकड़ सकते हो, जब तक आप अपने शहरियों को ये यकीन नहीं दिला सकते हो कि आपका ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे, आपका मुल्क करेंगे, तो ना सिर्फ उन शहरियों का ज़िंदगी मुसलसल ख़तरा रहेंगे, मगर इस मुल्क को ख़तरा होगा, इस वफाक को ख़तरा होगा। मैं एक बार फिर आपके सामने अपना पार्टी का, अपना ख़ानदान का, हमारा ग्रीफ आपके साथ हम पहुंचाते हैं, अपना साथ आपके साथ इजहार करते हैं, और आपके जो मुतालबात हैं उनके साथ हम उनका हम हमायत करते हैं, और आपसे वादा करते हैं कि ये जो नाइंसाफी आपके साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरे बहनों के साथ हो रहा है, अगर आपके साथ नाइंसाफी हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आपके दुख के वक्त में, और इंशाल्लाह ताला वो दिन भी आएंगे आपके खुशी के वक्त में भी हम शरीक होंगे, जैसे हम हमेशा शरीक रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू बिलावल साहब, थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुश रहें, ग्रेट।